गाइस, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ी बीमारी इस दुनिया में आई, हमारे वैज्ञानिकों ने देर सवेर ही सही पर इसका इलाज जरूर ढूंढ निकाला है। और इसी तरह से पिछले कुछ सालों से हमारे वैज्ञानिक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज को ढूंढने में लगे थे और अब फाइनली इसका इलाज मिल गया है। जी हाँ गाइस, वैज्ञानिकों ने डोसार्टलिमैब नाम की एक कैंसर दवा ढूंढ निकाली है, जिसे उन्होंने 12 कैंसर मरीजों पर ट्रायल भी किया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 12 के 12 मरीजों का कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया। दरअसल US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा बनाई गई इस दवा को अगस्त 2021 में ट्यूमर मरीजों पर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने इसे कैंसर स्टेज 2 और स्टेज 3 वाले मरीजों पर 6 महीने तक ट्रायल किया। और इसके बाद जब उनकी रेडियोथेरेपी और सर्जरी की गई तो वो मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। बहरहाल इस दवा से अभी सिर्फ रेक्टल कैंसर मरीज ही ठीक हो पाए हैं और अब देखना यह होगा कि क्या ये दूसरे टाइप के कैंसर भी ठीक कर पाएगा। वैसे गाइस, आपका इस दवा के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिस पल आपको लगे कि आपका शरीर थक चुका है तो समझ लीजिए कि आपका शरीर केवल 40% ही थका है, उसमें 60% अभी भी जान बाकी है। गाइस, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है दुनिया के सबसे मशहूर एथलीट डेविड गोगिंस का, जो खुद के शरीर को आखिरी सांस तक के लिए ट्रेन कर चुके हैं। डेविड ने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो एक इंसान के सोच से भी परे हैं। गोगिंस ने 24 घंटों में 4030 पुलअप्स किए हैं। यही नहीं, वो नेवी सील की ट्रेनिंग, जो कि दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग मानी जाती है, उसे करने में 3-3 बार सफलता हासिल कर चुके हैं। गाइस, कुल मिलाकर गोगिंस ने खुद पर काबू करना सीखा है, जो आप भी सीख सकते हैं उनकी ही बुक कांट हर्ट मी से, जिसकी बुक समरी आप कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ साथ कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आर्ट की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। यहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड GHAR50 फॉर 50% डिस्काउंट। लेकिन याद रखिएगा गाइस, ये सिर्फ 19 जून तक ही अवेलेबल है, तो जल्दी कीजिए। गाइज, इंडिया में आज ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए UPI का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। और आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि अकेले साल 2022 में सिर्फ 5 महीने के अंदर अंदर UPI से 83 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। और इसी वजह से गूगल जैसी बड़ी कंपनी US गवर्नमेंट को ये कह रही है कि हमारे देश के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि UPI इतना पॉपुलर कैसे हो गया। दरअसल इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि UPI के थ्रू पेमेंट करने के लिए आपको 16 डिजिट जितने लंबे नंबर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सिर्फ एक फोन नंबर और QR कोड से ही आपका काम हो जाता है और आप इंडिया के किसी भी कोने में कितना भी अमाउंट सेंड कर सकते हैं। दूसरा, क्विक एंड फास्ट ट्रांजैक्शन, जहां आप सिर्फ 2-3 सेकंड में पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरा, जीरो ट्रांजैक्शन फीस। गाइस, जब भी आप क्रेडिट कार्ड या फिर किसी डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज ट्रांजैक्शन फीस कट जाती है, लेकिन अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपका कोई भी पैसा नहीं कटता। और गाइस, इसीलिए अब सिर्फ अमेरिका जैसे देश ही नहीं बल्कि कई देश UPI जैसी टेक्नोलॉजी को अपने देश में लाने की मांग कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि कैसे टाटा की पार की नजर ने 2 लाख करोड़ की वॉच कंपनी इंडिया में खड़ी कर दी? जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1970 की, जब टाटा कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और उस वक्त उनकी नजर पड़ी इंडियन वॉच मार्केट पर, क्योंकि उस वक्त इंडियंस को इंटरनेशनल वॉचेस काफी ज्यादा पसंद थी पर वो इजीली मिलती नहीं थी और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी थी। इसलिए टाटा ने साल 1987 में पहली बार टाइटन वॉचेस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। टाइटन ने कुछ ही साल में इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बड़ा नाम बना लिया था, क्योंकि टाइटन की सर्विसेज दूसरे ब्रांड से काफी ज्यादा अच्छी थी। शायद इसी वजह से एक वक्त ऐसा भी आया था जब पूरे टाटा के रेवेन्यू का 70% कॉन्ट्रीब्यूशन टाइटन से आता था। यही नहीं, टाइटन के स्टॉक्स ने भी पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 400 गुना रिटर्न दिया था और इसी वजह से टाइटन इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। गाइस, क्या आपको भी टाइटन की वॉचेस पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।